दोस्तों, तितली यानी बटरफ्लाई, जो अपने आकार से ही सबसे सुंदर दिखाई देती है, यह एक ऐसा जानवर है जो लार्वा चरण से अजीब रूप से सबसे सुंदर निकला। वह तितली है। सुंदरता को रंग, आकार और विशेषता के रूप में व्यक्त किया जाता है। आज हम आपको एक ऐसी 5 तितलियाँ दिखाने जा रहे हैं जिसको देख के आपका दिन बन जाएगा। तो अपनी कुर्सी पकड़ लें और पॉपकॉर्न हाथ में ले लीजिए, क्योंकि आज की वीडियो शुरू होने वाली है। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। दोस्तों, नंबर 5 पे आती है मालाबार बैंडेड मोर। मालाबार बंदर मोर मोरनी जैमका जायंट सटील के समान है, जिसके पंखों के नीचे दो अद्भुत पूंछ हैं। भारत के पश्चिम घाटों में पाए जाने वाले पंखों का रंग या तो नीला या तो हरा होता है। आपने भी देखी होंगी। यह देखने के लिए बहुत अजीब है कि पंख आंदोलन के साथ हरे और नीले रंग के बीच रंग बदलता है। उन्हें पकड़कर अपनी उंगलियों पर अपने रंगों को अंकित करके उनके रंगीन तराजू को स्लाइड कर सकते हैं। ये बहुत अद्भुत तितली है। अब नंबर 4 पे आती है दक्षिणी बर्ड विंग। कहीं कहीं दक्षिणी बर्ड विंग एक गुनगुना पक्षी जैसा दिखाई देता है। जब पंख विचार में होते हैं, 140 से 190 मिलीमीटर के पंख के साथ तितली भारत में अब तक पाया गया सबसे बड़ा है। प्रायद्वीपीय भारत के लिए स्थानिक दक्षिणी बर्ड विंग काले और पीले रंग के जीवित पंखों के साथ सुंदर है। भारत के कर्नाटक, मध्य और पश्चिम घाटों में पाई जाने वाली इस प्रजाति को IUCN से खतरा नहीं है। नंबर 3 पे आती है जमैका जायंट स्वॉलटेल। ये एक ऐसी तितली है जो अपने नाम से ही अद्भुत लगती है। जमैका जायंट स्वॉलटेल को होमरे स्वॉलटेल के रूप में ही माना जाता है। ये पेपोलिया जीन्स का सबसे बड़ा तितली है। इस तितली को पंखों के निचले हिस्से में संरचना की तरह दो पूंछ तितली के लिए संरचनाबद्ध दिखता है। ईमानदार होने के लिए प्रजाति विलुप्त होने के चरण में है और इसे स्पॉट करने के लिए दुर्लभ माना जाता है। जैसा कि नाम से पता चलता है, यह जमैका में पाया जाता है और मुख्य आबादी नीले और जॉन क्रो पर्वत में निवास करती है। प्रजातियों की सुरक्षा के लिए बहुत सारे कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, क्योंकि इसे IUCN द्वारा लुप्तप्राय सूचीबद्ध किया गया है। नंबर 2 पे आती है व्यापक फॉरेस्टर। व्यापक रूप से वनपाल अफ्रीका में पाया जाने वाला एक भव्य तितली है। व्यापक वनपाल का रंग संयोजन ज्यादातर या तो भूरा या तो बैगनी होता है। यूफेरडा के अंतर्गत आने वाली सभी तितलियों के पंख समान आकार के होते हैं। पंखों का आकार 7 सेमी और 9 सेमी के बीच होता है, जो कि कोशिकाओं के भीतर काले धब्बों के साथ होता है। आमतौर पर बहुत निचले स्तर पर उड़ते हुए देखा जाता है। नंबर 1 पे आती है लास्ट और नॉट लीस्ट ग्लासिंग बटरफ्लाई। ग्लासिंग तितली अपने पर्दाफर्शी कांच के पंखों के साथ सबसे भव्य तितली है। ब्रश पैर वाली तितली के परिवार के तहत फॉल्स जो नैनो पिलर से उत्पन्न होते हैं, सुंदरता को तितली के पंखों के माध्यम से प्रकाश के बिखराव के रूप में व्यक्त किया जाता है। बार और आंतरिक उत्तक के बीच की झिल्ली एक ग्लास जैसी परत बनाती है, जो तितली को बाकी से विशेष बनाती है। इसे क्रिस्टल तितली के रूप में भी माना जाता है, क्योंकि इसे स्पेनिश में मोरीपोसा डी क्रिस्टल के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।